एनबीजे ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो एलकेएन हेलाइड है उसके बनाने की विधियों के विषय में बता रहे हैं, कैसे कौन कौन से प्रिवेशन मेथड हैं। इसका पहला पार्ट हमने आपको बता दिया था, उसमें हमने आपसे कहा था कि अल्कोहल से एल्केन हेलाइड कैसे बनाते हैं। अल्कोहल के जो कुछ अदर मेथड हैं, जो दूसरी विधियाँ हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो है, अगर हम एल्कोहल पर PX3 या फिर PX5 की क्रिया करा दें, ये हो गया रिएक्शन ऑफ PX3 आर PX5 आर एल्कोहल। इससे रिएक्शन करा करके बना सकते हैं। अब PX3 आपका क्या होगा, एक्स तुम्हारा हाइड्रोजन होता है, मतलब ये सीएल बीआर या आई हो सकता है, मे बी सीएल क्लोरीन, मे बी ब्रोमीन, मे बी आयोडीन। तो कंपाउंड्स क्या होंगे, KCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है, PI3 हो सकता है। इफ इट इज PX5 तो क्या हो सकता है, KCl5 हो सकता है, PBr5 हो सकता है, PI5 नहीं बनेगा, ये नहीं बनता है क्योंकि आयोडीन का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो PI5 का जो प्रिपरेशन है वो नहीं हो पाता, यानी PI5 नहीं बनता। रिएक्शन देख लेते हैं, अल्कोहल हो गया ROH, PX3 से रिएक्शन करा रहे हैं, PX3 यहाँ से OH हट जाएगा और OH की जगह पर क्या देगा, X। अब यहाँ तीन X हैं तो तीन OH लगेंगे, तो 3OH कर दिया यहाँ पर, 3ROH हो गया, ये हो जाएगा 3RX। क्या हो रहा है, OH की जगह पर X आ रहा है, 3RX हो गया प्लस। अब क्या बचा हुआ, यहाँ यहाँ 3H बच गए, तो S3 हो गया, 3H कैसे बचे, ये हो और ये 3H बच गए और 3O बच गए, एक P बच गया, तो बना देगा S3PO3। एल्केन हैलाइड आपका बन गया। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक्स जे पर सी एल कर सकते हैं, बी आर कर सकते हैं, आई कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हमने एक्स जे पर सी एल लिखा तो यहाँ हो जाएगा आर सी एल, बी आर लिखा तो यहाँ आर बी आर हो जाएगा, और अगर हमने आई जगह पर, आई की जगह पर हमने लिख दिया आई आर डी, ये एक्स जे पर आर डी लिख दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर आई हो जाएगा। तो ये सारे आपके प्रिपरेशन हो गए, ये इतने कोई प्रिपरेशन होंगे, ठीक है, तो इससे आप कर ले जाएंगे। अब अगर हम PX5 का यूज करें, एक उदाहरण इसका लिख देते हैं, हमने लिया CH3OH प्लस हमने लिखा PCl3, तो क्या होगा, 3CH3OH करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3CH3Cl प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा S3PO3। अब अगर हम PX5 यूज करें PX3 के लिए पर, तो PX5 हम यूज करेंगे तो क्या होगा, PX5 यूज करने पर अब जो आपकी रिएक्शन बनेगी हो जाएगा 3ROH, ROH हो गया प्लस हो गया PX5, ये हो जाएगा RX। क्या हो गया, OH पर X आ गया, तो यहाँ हो जाएगा RX प्लस हो जाएगा POX3 प्लस हो जाएगा HX, ये समीकरण बन जाएगी आपकी, यहाँ तक आपका हो गया ये। तो आप रिएक्शन देख लेते हैं, CH3OH ले लिया प्लस हमने ले रखा PCl5, तो क्या हो जाएगा, OH की जगह पर Cl आ जाएगा, तो CH3Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl। अब आप यहाँ पर C2H5OH लिख करके रिएक्शन कैप्चर कर सकते हैं, C2H5OH लिखिए और उसकी PCl5 से रिएक्शन करा लेंगे, तो OH को हटा करके वहाँ पर Cl ले आएंगे और ये रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, इसके जो कंपोनेंट है वो फिल करेंगे। एक आपका एक प्रिपरेशन हो गया, एल्कोहल पर PCl3 या PX5 की रिएक्शन कराते हैं। तो एल्कोहल के आपके दो मेथड हो गए, एक HX वाला हो गया और एक आपका PX5 वाला हो गया। एक और बनाने का मेथड देख लेते हैं, एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे बनाएंगे वो देखना है। एल्कीन पर क्या करते हैं, HS के रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन ऑफ HX, तो हम क्या करा रहे हैं, HX की क्रिया कराते हैं,
तो एल्किन हो गया तुम्हारा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, ये एल्किन हो गया। और हमने अगर एच एच की रिएक्शन करा दी तो प्लस एच एक्स हो गया, क्या होगा ये वाला एच एक कार्बन पे लग जाएगा और ये वाला एक्स एक कार्बन पे लग जाएगा, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये जाएगा तुम्हारा सी एच थ्री और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड सी एच टू और ये हो जाएगा एक्स। बना लेंगे एच सी एल पर एच सी एल एच बी आर या एच आई का यूज कर सकते हैं। एक रिएक्शन देख लेते हैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच सी एल या एच बी आर, एक्स सी जे पर क्या हो सकता है, एक्स सी जे पर हो सकता है सी एल बी आर या आई, इनमें से कोई भी। तो क्या होगा एच एक पे और बी आर एक पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू बी आर, इसमें एडिशन हो रहा है एच एक्स का। ये रिएक्शन हो गई। एक हम प्रोपीन का रिएक्शन करा सकते हैं, ये भी तो एल्कीन है सी एस सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू सी एस थ्री सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू, इस पर रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग एच एक्स की। यहाँ रूल लगता है मार्कोनी का फूल, वो क्या करता है निगेटिव पार्ट जो होता है निगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन निगेटिव पार्ट ऑफ एच एक्स अटैच टू सच कार्बन दैट बियर्स द मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो निगेटिव पार्ट है एच एक्स का वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन के नंबर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी, ये मार्कोनी का फूल हो गया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा इसमें देखना, ये एक्स यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी एस थ्री सी एच और एक्स यहाँ गया और ये क्या हो गया, ये हो गया सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री। तो ये आपकी रिएक्शन बन गई एल्कीन से। तो एक दो रिएक्शन आप कर ले सकते हैं इसी यहाँ पे, जैसे हमने आपसे लिख दिए सी एस थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू, और हम आपसे कहें रिएक्शन करानी एच बी आर की इस पर, तो उसकी रिएक्शन आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो ये आपके कुल मिलाकर के प्रिपरेशन के दो आपके इंपॉर्टेंट मेथड हो जाएंगे। थैंक यू।